स्वागत करता हूं दोस्तों मेरे YouTube चैनल कपिल तलरेजा पे। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊँगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी COGS इसका अकाउंटेंसी में क्या मतलब होता है। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आर द एक्सपेंसेस दैट डायरेक्टली रिलेट टू द क्रिएशन ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आर द एक्सपेंसेस दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड to the creation of a product or service. Not included in this category are those costs that are needed to run the business. An example of COGS would be the cost of material or the direct labor to provide a service. An example of COGS would be the cost of materials or the direct labor to provide a service. ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू।